क्यों ना हो, ये मेरा ही पीछा कर रही है। अगर ये पीछा कर रही है तो मैं क्या करूं? मैं तो जीनी के पास जा भी नहीं सकता। मैं यही टाइम पास करता हूँ। मैं भी ना इतनी इंटेलिजेंट होके भी कभी कभी किसी डम्बो जैसी बातें करती हूँ। अरे विकी यहाँ है या नहीं ये तो मैं एक मिनट में पता कर सकती हूँ। अभी विकी को फोन लगाती हूँ। हेलो विकी, कहाँ हो तुम? बेबी मैं, तुम्हें तो पता है ना बेबी, मैं बीमार हूँ बेबी। मैं आराम कर रहा हूँ। और तो और बेबी, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगले 5 घंटे तक मैं सोता रहूंगा, इसलिए मुझे डिस्टर्ब मत करना। लेकिन तुम हो कि तुमने तो मुझे फोन करके डिस्टर्ब कर दिया। व्हाट इज दिस? तुम तो कुछ बोलो ही मत। तुम घर पे नहीं हो ना बेबी? मैं बोलो ही मत। तुम्हारे फोन से मुझे वही आवाजें आ रही है जो मुझे यहाँ थीम पार्क में सुनाई दे रही है। तुम थीम पार्क में क्या कर रही हो बेबे? हम यहाँ मिस्टर तनेजा से मीटिंग के लिए आए थे, पर तुम सच सच बताओ कि तुम घर पे हो या नहीं। बोलो, जवाब दो। नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ। तो कहाँ हो तुम? मैं थीम पार्क में हूँ बेबे। ये क्या कर रहे हैं आप? स्वीटी पाई, अब तो आपकी जान रहेगी और आपकी तस्वीर पर चंदन का हार लटका रहेगा। मैं नहीं चाहती हूँ ये। चुप रहो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। चुप रहो। क्या तुम थीम पार्क में हो? तो इसमें चौंकने वाली क्या बात है बेबी? क्या मैं थीम पार्क नहीं जा सकता? तुम तो कुछ बोलो ही मत। अब कौन चौंकने वाली बात है? तुमने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम 5 घंटे सोने वाले हो, तो तुम थीम पार्क में क्या कर रहे हो? दरअसल मैं तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहता था। मुझे ऐसे लगा था कि अगर तुम्हें बात पता चलेगी तो तुम मुझसे नाराज हो जाओगी। खैर, सच तो यह है कि बेबी मैं वाकई में बीमार हूँ बेबी। और हाँ, मैं 5 घंटे घर पे आराम करने वाला था, लेकिन लेकिन अचानक मुझे याद आया बेबी कि आज हमारी मीटिंग मिस्टर तनेजा के साथ है। ओह, तो इसलिए तुम थीम पार्क आ गए? नहीं बेबी, मैं पहले ऑफिस गया। ऑफिस गया तो मुझे पता चला कि तुम सब थीम पार्क आए हो, यहाँ तक कि मिस्टर तनेजा भी थीम पार्क आए हैं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ तुम लोग कहाँ हो, ताकि मैं तुम लोगों को ढूंढ लूँ। बताओ, पहले तुम बताओ कि तुम कहाँ हो। सुनो सुनो, मुझे जल्दी से नॉर्मल करो। नहीं, मैं नहीं करूंगी। मैं जितना कहता हूँ उतना करो, मुझे जल्दी से नॉर्मल करो। हाँ बेबी, सुनो, तुम ना बिना पीछे देखे 5 कदम पीछे चली आओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बाय। जीनी, तुम एक काम करो, जब तक मैं आ जाऊँ ना, तुम इसे संभालो और ध्यान रखना, इसे खत्म मत करना, ठीक है? बाय। बिना पीछे देखे 5 कदम पीछे आओ। कितना रोमांटिक है मेरा स्वीटी पाई। ओके, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सॉरी बेबी, मेरी सर्दी गई नहीं अभी तक। और स्वीटी पाई, तुम अभी भी इतने बीमार हो, तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? नहीं बेबी, मुझे अपनी तबीयत का नहीं, बल्कि अपनी प्रिया और उसकी एयरलाइंस का ख्याल है, इसीलिए काम पहले आराम बाद में। चले चल। हाँ तो मिस्टर तनेजा, एक और प्रेजेंटेशन है हमारे पास, देखिए ध्यान से देखिए। जॉनी जॉनी नो पापा ईटिंग वेफर्स। यस पापा। क्या चल रहा है? क्या बेवकूफी चल रही है बोलो? वो मिस्टर तनेजा, बात ये है कि बात ये है आपको कुछ नहीं सुनना। तुम्हारा प्रेजेंटेशन एकदम बकवास है, समझा क्या? नहीं, बेला तुम, अरे
अलेक्सा, तो बच्चों के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? सर वो मैं सर इसका जवाब आपको विकी देगा सर। विकी, विकी, हेलो। हाँ जीनियस टेडी बेयर अंकल फिर से फंस गए। सर विकी, सर पूछ रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो क्या बताने वाला तू? क्या बताऊँ? जुन जुन जीनियस, अरे तुम लोग यहाँ हो? एक तरफ कुआ, एक तरफ खाई, ये जीनी बीच में क्यों आई? इतना बड़ा बाग छोड़कर इसे यही इतना मिला आने के लिए? मैं क्या जवाब दूंगा? जीनी, तुम यहाँ? एक मिनट प्रिया। देखिए, सबसे पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बीमार थे ना? हाँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरा पूरा ऑफिस यहाँ पर एक्चुअली में कर क्या रहा है? बेटा देखिए, इसे कहते हैं मुसीबत में आटा गीला। अब कोई जवाब है तेरे पास? एक्चुअली जीनी को मैंने ही यहाँ बुलाया। क्या? क्या नहीं पूछते? पूछो क्यों? अच्छा, क्यों? वो इसलिए कि आज हमारी यहाँ मीटिंग है ना। अरे मीटिंग में नोट्स भी तो लिखने पड़ते ना। नोट्स लिखेगा कौन? इसीलिए तो मैं नोटपैड लेकर आई हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जीनी। गुड 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 जीनी गुड। वो तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे क्या कर रहे हैं? सर ये बच्चे नहीं है सर, ये तो हमारे प्रेजेंटेशन का हिस्सा है सर। आई विल एक्सप्लेन सर। दरअसल तनेजा जी एक ऐसी फ्लाइट चाहते हैं जो बच्चों के मुताबिक हो, जो बच्चों की सहूलियत के हिसाब से हो, जो बच्चों की जरूरतों को पूरा कर सके। Why not bachas themselves, sir? Sir, ये बच्चे खुद बताएंगे कि इन्हें किस तरह की फ्लाइट चाहिए, उन्हें फ्लाइट में क्या क्या चाहिए, है ना बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। अरे मैं भी तो कब से यही कहने की कोशिश कर रहा था, ये जो बच्चे हैं ये। Oh, come on, Johnny, please. तुम खुद बच्चे बनकर प्रेजेंटेशन दे रहे थे जबकि विकी बच्चों को लेकर आया प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा ये सब ठीक है, झगड़ा बाद में करना, पहले ये बताओ क्या मैं तुम्हारी प्रेजेंटेशन देख सकता हूँ या पीछे जाके झूला झूलूं? बोलो। नहीं नहीं नहीं, आप क्यों झूला झूलेंगे सर, प्रेजेंटेशन बताते ना आपको सर। बच्चों स्टार्ट प्रेजेंटेशन। सर को बताओ कि तुम्हें फ्लाइट में क्या क्या चाहिए, फ्लाइट किस तरह की होनी चाहिए, बोलो। सबसे पहले वो जो प्लेन में बोरिंग सीट होती ना, उसकी जगह हमारे पास रोलर कोस्टर सीट होनी चाहिए। उससे हमें लगेगा हम प्लेन में नहीं राइड्स में बैठे हैं। सर वो रोलर कोस्टर में सर वो ऐसे सीट होती ना सर, आगे रोड होता है सर, बच्चों को बहुत पसंद है सर, दे फील सेफ। और प्लेन में बहुत सारी टॉयज भी होने चाहिए और कार्टून फिल्म्स और वीडियो गेम्स भी। खाने में बहुत सारी चॉकलेट और बहुत सारी आइसक्रीम भी होनी चाहिए। अरे झुनझुन पिज्जा तो तुम भूल गई, और पिज्जा भी यम्मी यम्मी पिज्जा। वाह 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 प्रताप सेठ, ये आपका जो आइडिया है ना, मेरे को डांडो सूटो लगा है। आपका ये प्रेजेंटेशन भी मुझे बहुत पसंद आया, आज तक ना मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन देखा ही नहीं है। तभी मैं कहूँ आपकी जो प्रिया एयरलाइंस है ना, इतनी जल्दी सक्सेसफुल कैसे हो गई, पूछो कैसे? कैसे 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 सर? इसलिए कि आपके पास इतना टैलेंटेड स्टाफ जो है, बहुत ही स्मार्ट है, डाडो सुटो स्मार्ट है। थैंक यू सर। एक्चुअली सर ये हमारे काम करने का तरीका है। अब मेरे को समझ में आया कि प्रेजेंटेशन देने के लिए आप लोगों ने मेरे को थीम पार्क में क्यों बुलाया। मिस्टर तनेजा, क्या हम लोगों ने आपको नहीं बुलाया, बल्कि आपने हमें बुलाया है? आप भूल गए, इस थीम पार्क के पासेस आप ही ने तो भेजे थे। ए, मैं क्या चढ़िया है क्या, मेरे को काले कुत्ते ने खाता है क्या, मैं आपको पास भेजेगा? मैं क्यों पास भेजेगा, मेरे को कोई दूसरा काम नहीं है क्या? पर मिस्टर तनेजा, अगर आपने पास नहीं भिजवाए तो फिर किसने भिजवाए?
मुसीबत हटी तो दूसरी शुरू। सर वो दरअसल पासेस मैंने ही भिजवाए थे सर। हैं? मैंने सोचा सर, मैंने बहुत सोचा सर कि जब हम बच्चों के लिए प्लेन डिजाइन कर रहे हैं तो प्रेजेंटेशन भी वही जगह होनी चाहिए ना जो बच्चों को पसंद आए। लेकिन ये बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? बेबी वो दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था बेबी। सच्ची? हाँ एक्चुअली ना बेबी मैंने जो कुछ भी किया ना तुम्हारी खुशी के लिए किया बेबी। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ बेबी, अभी भी। सच्ची सच्ची बताओ मेरा सरप्राइज तुम्हें कैसे लगा बेबे? मेरी भाई तुम्हारे सरप्राइजेस हमेशा बेस्ट होते हैं। अरे पेपर खाते खाते ना मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि तुम लोग को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आएंगा? एक्चुअली ना सर क्या है कि मैंने आपके बारे में सब कुछ पता कर लिया था सर। मुझे पता है कि मीटिंग करने के लिए आप फालतू फालतू जगह भी जाते हो सर। क्या कहा? डिफरेंट डिफरेंट जगह सर मीटिंग करने के लिए जाते हो सर। वो क्या है कि पिछली बार मैं चंबल में गया था घोड़ा खरीदने के लिए। हाँ, और डाकू ने आपको उठा भी लिया था। इसीलिए तो मैं सिक्योरिटी रखता है ना, गन ले खड़ा है ना खड़ा है। इसीलिए सर मैंने ऑफिस में इन्फॉर्म कर दिया था सर कि मिस्टर तनेजा पूछेंगे कि मीटिंग कहाँ है तो कह देना कि थीम पार्क में है सर। देखो सर गुस्से में ही सही सर, लेकिन आप यहाँ आए ना? आए कि नहीं आए? अरे वेल डन साईं, तनेजा बहुत खुश हुआ। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना तुम्हारा पक्का हुआ। अंध भला तो सब भला। अब इस खुशी के मौके पर सब मिलकर झूले पे बैठते हैं। बल्कि चीटिंग ये है कि हारने लगो तब बहाने बना। झुनझुन कोई बहाने नहीं बनाती। और जीनियस आज के बाद तुम मेरे साथ खेलना भी मत। अरे आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। रियली थैंक्स। लेकिन क्या फायदा, जब तक तुम जैसे हैंडसम हीरो के साथ उसकी खूबसूरत हीरोइन बीवी ना हो तो सब बेकार है। अच्छा बात तो बिल्कुल सही कही है आपने। हाँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ फटाफट जीनी से शादी कर लो, खूब जमेगी तुम दोनों की जोड़ी। अच्छा हाँ सोचो ठीक है। एक मिनट, ये जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो मैं ही हूँ या मेरी शक्ल में कोई और है? चेक करता हूँ। जीनी? जूजू? What is this? क्या ये सब जीनी? जूजू, वैसे आप शीशे की बात मान क्यों नहीं लेते हैं? वो कहते हैं ना आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सही कह रहे हो तुम, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और मेरे गुरुजी भी कभी झूठ नहीं बोलते। गुरुजी? हाँ मेरे लव गुरु, वो हमेशा मुझसे कहते हैं, बेटा यदि कोई कन्या तुम्हारे सामने बार बार शादी के लिए प्रस्ताव रखे तो उस कन्या से तो कदापि शादी मत करना बेटा। क्यों गुरुदेव? क्योंकि मेरे गुरुजी कहा करते थे कि बालक अगर उस कन्या से तुम्हारी शादी हो जाती है तो जिंदगी की सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है, टाई टाई फिश हो जाती है, फिर वो कन्या तुम्हें भला भाव क्यों देगी, है ना? इसीलिए जीनी मैं तुमसे कहता हूँ जरा मेरी बात पर गौर करो, जरा देखो कभी अपनी तरफ, तुम कितनी सुंदर।
सुशील हो, संस्कारी हो। अरे मैं तो कहता हूँ कहाँ इन शादी वादी के चक्कर में फंस रही हो, अच्छे मित्र बन के रहते हैं अच्छा रहेगा, है ना? जूजू, हाँ? आप जब भी मेरी तारीफ करते हैं ना, हाँ? मेरी जान ही चली जाती है। हाय हाय, मरना मत, मरे तुम्हारे दुश्मन। गुड मॉर्निंग वेलू। हाय जीनी। हेलो वेला अंकल। एक मिनट, ये जिस तरह से तुम दोनों मुझे हेलो वेला अंकल बोल रही हो, मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही है। शरारत की बू आ रही है मुझे, क्या करने वाली हो तुम लोग? जिन जिन, वेला अंकल कितने भोले हैं ना। अरे वेला अंकल, हम आपके साथ कोई शरारत नहीं करेंगे। थैंक यू हम सिर्फ आपको रोलर कोस्टर राइड में बिठाएंगे। रोलर कोस्टर राइड? नहीं बाबा, नहीं प्लीज। क्यों नहीं, थीम पार्क में बड़ा मजा आता ना राइड पर। जीनियस, दिस इज नॉट फेयर। जीनी समझाओ ना इनको, ये कोई बात नहीं हुई यार। देखो क्रिसमस आ रहा है, हाँ? और क्रिसमस की स्पिरिट होती है खुश रहना और खुशियाँ बांटना, ना कि किसी को डराओ और डराते चले जाओ। वेला अंकल, ये क्रिसमस क्या होता है? आओ, क्रिसमस पर हम जीसस क्राइस्ट का जन्म सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। और क्या क्या होता है क्रिसमस में? क्रिसमस के दिन खुशियाँ खुशियाँ फैलती हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, स्वीट्स मिलती हैं, चॉकलेट्स मिलती हैं। सब अपने परिवार के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं और हर घर में सजता है क्रिसमस ट्री। वाओ, कितना सुंदर है। अब तुम दोनों को इसे स्टार्स और लाइट्स के साथ डेकोरेट करके और भी सुंदर बनाना है। ये तो जिन्हें चुटकी में कर सकती है। कितना अच्छा सजा। अरे हाँ, एक और बात, क्रिसमस पर आप सभी को जो जो गिफ्ट चाहिए वो एक चिट में लिखकर इसमें डाल दो। क्रिसमस की रात सांता क्लॉज आएंगे और आप सभी के गिफ्ट वहाँ उस पेड़ के नीचे रख देंगे। सांता, वो कौन है? सांता क्लॉज। सांता क्लॉज एकदम मस्त मौला है, उनकी ये लंबी लंबी सफेद दाढ़ी है, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं और नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव वहाँ रहते हैं। वो क्रिसमस की रात को आते हैं और सबको अपने गिफ्ट्स देते हैं। दिखने में वो बूढ़े हैं लेकिन उनका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा है। वो बच्चों से बहुत 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 प्यार करते हैं। यार जीनी, हाँ? एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि क्रिसमस पे सांता अकेले क्यों आते हैं, साथ में बैंटा को लेके क्यों नहीं आते? वेलू, अपने साथ बच्चों को कंफ्यूज मत करो, स्टॉप किडिंग। तो बच्चों, सांता क्लॉज पूरी दुनिया के बच्चों की विश पूरी करते हैं। अरे वाह जीनी दीदी, इसका मतलब सांता अंकल के पास बहुत सारी जादू शक्ति होंगी ना, जिससे सबकी विश पूरी होती होंगी। हाँ, क्रिसमस के दिन सांता क्लॉज का जादू सब पर छाया होता है और सब हैप्पी हैप्पी होते हैं। तो क्यों ना इस बार क्रिसमस मनाया जाए सांता अंकल के साथ, क्यों बच्चों? बस इस क्रिसमस पर मैं सांता क्लॉज से सिर्फ एक ही विश मांगती हूँ कि सब बहुत बहुत खुश रहे, वो सड़ू स्पीडी पाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.